हाय दोस्तों, ये हो गया योमा RX 100। इसमें पैनल 35 का लगा हुआ है, मगर ये RX 100 है। इसका चेन जो है टूट गया, चेन लॉक टूट गया, तो हम लोग न्यू लॉक लगाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साइड में बेल आइकन घंटी में लगे उसको प्रेस करें, ताकि आगे जितना भी वीडियो डालो चैनल में आपका नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहे। तो फटाफट से हम लोग फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है ना, देखते क्या होता है इसमें। ये रखा हुआ गाड़ी था, बहुत दिन से रखा हुआ था, तो चला के आया किसी तरह, तो चेन का लॉक जो है टूट गया। तो फटाफट से हम लोग फिट कर लेते। ये हो गया लॉक टूटा वाला, तो लॉक को फंसाते फटाफट से। तो जिनका बाइक है उन्होंने बोला, तो इसमें पिकअप ज़्यादा नहीं है, पिकअप भी बनाना होगा बोले, ठीक है। वो पहले चेन को सेटिंग करते, उसका बाद फिर टायल करके देखेंगे क्या कमी है उसमें, फिर सही करेंगे। जिस एरिया में मेरा गैरेज है उस एरिया में इसका पार्ट्स बहुत ही कम मिलता है, तो हम बोला खुल के दे देंगे, आप लाइएगा पार्ट्स, हम फिटिंग कर देंगे। तो बोला इधर एडजस्ट करते, चेन देखिए बिल्कुल लगभग लाइन में आ गया। तो हाफ एक्सल का 27 नंबर को टाइट कर लेते हैं, और उधर भी टाइट कर लेगा। तो फ्रेंड इस चैनल में हर एक वीडियो मिल जाएगा, चाहे कोई भी काम, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो फटाफट से हम लोग फिट कर लेते, ठीक है ना। तो बाहर में भी काम आ जाता है, तो हम लोग फटाफट से करते हैं। उधर हम लोग का पास एक छोटू मिस्त्री है, कभी कभी तो ऐसा गुस्सा आ जाता है कि बोलते वो करो करता है, इसलिए थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है, काम का टाइम में गुस्सा भी होता है, फिर बाद में सही हो जाता है, बातचीत करते एक साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्यार मोहब्बत में बातचीत करते हम लोग। जब काम नहीं रहता है 10-15 मिनट टाइम भी देते हैं हम लोग एक साथ में बैठ के गपशप करते। चलो फटाफट से देखिए, ये हो गया लॉक टूटा हुआ। तो हम लोग अभी चेन कवर का बोल्ट सब फंसा लेते, ठीक है ना। दीमुंडा घर बनवा 10 नंबर थ्रेड है, ठीक है कोई बात नहीं। तो बाहर में काम आ गया, ठीक है थोड़ा वेट करो कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट वेट करो। तो ये भी लॉक, ठीक है ना। तो ये नट को लगा लेते फटाफट से, तो बहुत ही हड़बड़ी कर रहा है थोड़ा सा, हम लोग क्या बोलूं, काम छोड़ना पड़ता है कभी कभी, बाहर में चेन टैप पंचर उंचर आ जाता है, कभी वॉज भी आ जाता है। तो सही से बैठना पड़ेगा ये, नहीं तो आवाज करते रहेगा भाई। फटाफट से पेस को टाइट कर लेते बोल्ट को, ठीक है ना, चेन कवर का। तो टाइट कर लेते उधर 10 नंबर टी, इधर 2 मुंडा पेस को, ठीक है ना। तो टाइट कर दो, घुमाते सोलह पहिया को, तो इधर भी फिट हो चुका है लगभग। तो हम लोग थोड़ा सा क्लास को देख लेते, ठीक है ना। तो फिर बाहर में भी काम आ जाता है, तो सब हमको ध्यान देना पड़ता है, बाहर में भी देखना पड़ता है, हवा देना आता है, कभी कभी सर्विस करते उसका चेन आवाज करता है, बंद पड़ जाता है। इसको खुलते, खुलने के बाद में पे एक पेच आ जाएगा 10 नंबर, आप 2 मुंडा से किला से एडजस्ट करेंगे, इसे
किला सही से काम नहीं करता, हम तो देखे नहीं पहले। तो यहीं से टाइट लूज होता है किलास, टू स्टॉक घर में आ रहा है, संडे हो गया और भी गाड़ी है। तो हम लोग कह रहे हैं ये सब गाड़ी अभी है यानी पार्ट्स भी नहीं मिलता है, थोड़ा टाइट कर लेते इसको किलास को। तो हो जाओ भाई, यहीं से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर फिट करते हैं। अगर हुआ तो हो गया, बोलता है किला सही से काम नहीं करता है, तो ठीक है, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर किला साइड खुलना पड़ेगा, किला प्लेट देखना होगा। कहीं रखा हुआ था गाड़ी, कभी कभी क्या हो जाता है किला प्लेट प्रेशर प्लेट पकड़ लेता है, इसलिए काम नहीं करता है सही से। क्या इसका पार्ट्स मेरा पास है ये भी नहीं, ये हो गया टूटा वाला लॉक। फिर तो फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर वीडियो शेयर भी कीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। चलो भाई गियर लग जाओ। तो फिर इसमें क्लच प्लेट का प्रॉब्लम है, क्लच काम नहीं करता है, नीचे से एडजस्ट किया फिर भी नहीं हुआ। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो इस साइड से तो हम लोग को किला सेट खुलना पड़ेगा। तो फिर इसका पास मेरा पास आए नहीं, फिर बाद में करेंगे इसका काम, ठीक है ना। उसको गाड़ी वाला बोलता है हम ले जाएंगे इसे, तो फिर वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, फिर से आएगा।